हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में पिवट टेबल इस्तेमाल करना और उससे रिपोर्ट्स कितनी आसानी से बनती हैं वो भी सिखाऊंगा। ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है, बहुत सारी तारीखों का डेटा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं तकरीबन 4000 रोज से ऊपर का डेटा है हमारे पास, 4000 रोज से ऊपर का डेटा। यहाँ देख रहे हैं रो नंबर 4 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है रो नंबर 4696 और यहाँ पे कस्टमर्स का नेम है कंपनी 1 से लेके 10 तक, नहीं मेरे ख्याल से ज्यादा 20 तक, यस। उसके बाद कंपनीज रिपीट हो रही हैं। देखिए पूरे डेटा में यहाँ पे उन्होंने क्या प्रोडक्ट खरीदे हैं वो लिखे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है हर सेल की तारीख पे वो लिखा है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या था उस दिन वो लिखा है, और टोटल अमाउंट यहां पे आ गया जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया है। ऐसे इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये। अब देखिए इतना सारा डेटा है, इससे हमको रिपोर्ट बनानी है पिवट टेबल के साथ, तो पिवट टेबल भी सीख जाएंगे और रिपोर्टिंग भी सीख जाएंगे साथ साथ। करेंगे मेरे साथ सीखना? चलिए फिर अभी देखते हैं। यहां पे हमको निकालना है टॉप कस्टमर, टॉप प्रोडक्ट और डेट वाइज डेटा। ये अक्सर यही मांगते हैं अगर कोई भी डेटा बनाना हो तो पिवट टेबल को कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये डेटा कैसे निकालेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे पूरी तरह ऐसे, ओके, ये बेसिक्स के लिए है, नहीं तो अब बीच में कहीं पे क्लिक कर देंगे तो भी काम करेगा। उसके बाद जाइए आप इंसर्ट में, एक्सेल के किसी भी वर्जन में इंसर्ट में ही पिवट टेबल मिलता है आपको। मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो फंडा यही है। पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, आपके पास देखिए ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है क्रिएट पिवट टेबल का। इसमें देखिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपने को सिर्फ दो चीज ध्यान में रखनी है, सेलेक्ट अ टेबल और अ रेंज, हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। दूसरा कि पिवट टेबल आपका बनाए कहां, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट तो यही है, इस पे ना बनाओ क्योंकि रॉ डेटा को कभी भी अलग रखना चाहिए और आपका जो भी कैलकुलेशन है वो दूसरी शीट पे करनी चाहिए। तो नई वर्कशीट पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वहां चला जाएगा। डेटा में एक चीज का आपने ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई भी गैप ना हो, जैसे चाहे ऐसी कोई रो पूरी तरह खाली ना हो, एकाध सेल खाली हो गया चलेगा, पूरी रो खाली नहीं होनी चाहिए, पूरा कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं ओके। ये देखिए यहां पे अपने आप शीट नंबर 4 आ गई, अपने आप आ गई, और ये एक पिवट टेबल का डिजाइन सेक्शन आ गया। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो यहां पे लिखा है पिवट टेबल फील्ड्स और यहां पे लिखा है डेट, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस एंड सेल। अगर मैं शीट 1 में जाऊंगा ना तो ये देखिए जो हमारे हेडर थे ना, इसने उन्हीं को यहां पे फील्ड का नाम दे दिया। और यहां पे 4 मेजर चीजें हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज, ये मैं आपको यूज करते करते बताऊंगा। ऑलराइट, अब यहां पे जो दिख रहा है ना, यहां पे आपका पिवट टेबल बनना स्टार्ट होगा। अब हमें यहां पे क्या लिखा है, टॉप कस्टमर्स का डेटा निकालना है, तो मैं चलता हूं यहां पे टॉप कस्टमर्स का डेटा निकालना है तो कस्टमर नेम हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करके ले आते हैं रो में। तो देखिए सारे कस्टमर का नाम यहां पे आ गया, 1 से लेके 20 कस्टमर हैं, देखिए केवल वही आए। यहां पे कस्टमर का नाम 4000 बार लिखा हुआ है लेकिन उसने कैलकुलेट कर लिया एक्सेल ने कि भाई कस्टमर तो 20 ही हैं, तो उसने देखिए सिर्फ यहां पे 20 ही दिखाए। देख रहे हैं अब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऑलराइट, अब इनके आगे मेरे को अगर टॉप कस्टमर्स का डेटा निकालना है तो मैं सेल प्राइस से निकाल सकता हूं या क्वांटिटी से निकाल सकता हूं, किसने ज्यादा खरीदा क्वांटिटी या ज्यादा खरीदा अमाउंट। तो अब इसको जो है मैं वैल्यू में लगाऊंगा। आप जो भी वैल्यू में लगाएंगे ना वो नंबर्स में आएगा और जो भी रो में लगाएंगे वो नाम की तरह आएगा, ये मेजर फर्क है। आपको अगर नाम दिखाने हैं तो यहां पे दिखाएंगे अब रोज में, और उनका डेटा दिखाना है तो आप दिखाएंगे वैल्यूज में। तो मैं दिखाता हूं कि सेल के हिसाब से यहां पे मैंने देखिए इसको डाल दिया, यहां पे भी चेकमार्क आ गया, यहां पे भी चेकमार्क आ गया, और ये देखिए बता रहा है कंपनी 1 ने इतना खरीदा, कंपनी 10 ने इतना खरीदा, और ये टोटल सेल्स भी आ गई। इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूं मैं और यहां से इसके 0 एक्स्ट्रा हटा देता हूं और यहां पे राइट क्लिक करता हूं और इसको सॉर्ट पे जाता हूं और यहां पे अब क्लिक करता हूं और ये देखिए सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो कंपनी 2 ने सबसे ज्यादा हमसे डेटा खरीदा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं आपको दिखाने के लिए, ये देखिए
कंपनी टू ने सबसे ज्यादा हमसे सामान खरीदा सेल के हिसाब से। अब पिवट टेबल की अक्सी टारगेट देखिए, ये तो हमने बना दिया सेल का, अब मेरे को सेल नहीं चाहिए तो देखिए मैंने यहां से क्लिक करा और ये हट गई। मैं क्वांटिटी डालता हूं, क्वांटिटी में किसने सबसे ज्यादा खरीदा, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, वापस से फॉर्मेट करता हूं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। कंपनी वन ने क्वांटिटी में सबसे ज्यादा खरीदा, देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क आ गया। सेल में कंपनी टू ने खरीदा था लेकिन क्वांटिटी में कंपनी वन ने, और ये पिवट टेबल में एक एक सेकंड में आप डेटा बना पा रहे हैं। और इससे कैसे कर सकते हो आप, इस डेटा को कॉपी कर लो और दूसरी शीट में डालते जाओ। एक नई एक्सेल शीट मैंने देखो एक्सेल यहां पे खोल दिया और यहां पे डाल दिया और यहां पे लिख देता हूं क्वांटिटी डेटा, तो आपकी रिपोर्ट बननी स्टार्ट हो गई क्वांटिटी डेटा ऐसा। और वापस वहीं पे जाता हूं और इसको क्वांटिटी हटा के मैं सेल कर देता हूं और यहां पे वापस क्लिक करके सॉर्ट कर देता हूं, तो ये सेल का डेटा आ गया मेरा। उसी शीट में जाता हूं यहां पे डाल देता हूं कि भाई ये मेरा सेल का डेटा है। देख रहे हैं कैसे हमारी रिपोर्ट बननी स्टार्ट हो रही है। अब आप बता सकते हैं कि सर कंपनी टू ने हाईएस्ट प्राइस दिया है लेकिन कंपनी वन ने ज्यादा सबसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है, देख रहे हैं मजा। यहां पे कंपनी टेन ने तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी और यहां पे कंपनी टेन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें नंबर पे प्राइस दिया। तो हमारे को क्या चाहिए, जो ज्यादा क्वांटिटी खरीद ले तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, है ना मजेदार चीज। वैसे ही अब आप और भी डेटा बना सकते हैं, कैसे, आइए प्रोडक्ट वाइज डेटा बनाते हैं। ऊपर चलते हैं प्रोडक्ट का डेटा, वापस यहां पे क्लिक करते हैं और शॉर्टकट बताता हूं, ऑल्ट एन वी, बस ऑल्ट एन वी, ये हमारा डेटा वापस खुल गया। ओके करते हैं और अब हम बनाते हैं प्रोडक्ट वाइज डेटा। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोडक्ट का नाम है, यहां पे अगर हम शीट वन में देखें डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का नाम लिखा है, तो मैं सेलेक्ट करता हूं डिस्क्रिप्शन, क्लिक करा तो देखिए ऑटोमेटिक रो में आ गया। ये एक्सेल एक इंटेलिजेंट टूल है, उसे मालूम है कि फील्ड के नाम 99% रो में आएंगे, लेकिन आप चाहें तो कॉलम्स को भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी रो में आपको ये ऐसे दिख रहे हैं, कॉलम्स में कर देंगे तो ये आपको ऐसे दिखेंगे। यूजुअली बेस्ट तरीका रो में दिखाने का रहता है। अब इसको पता चल गया कि केवल 10 ही प्रोडक्ट्स हैं, यहां पे प्रोडक्ट्स 4000 बार लिखे हैं लेकिन इसने कैलकुलेट कर लिया कि प्रोडक्ट केवल 10 हैं। अब मैं इनका डेटा बनाता हूं क्वांटिटी का, तो उसको वैल्यूज में डाल देता हूं और साथ में मैं डाल देता हूं सेल का डेटा भी। तो देखिए यहां पे अब मेरे पास दोनों डेटा आ गए कि प्रोडक्ट वन की क्वांटिटी कितनी सेल हुई और उसका टोटल अमाउंट भी कितना सेल हुआ। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं और इसके डेसिमल पॉइंट्स हटा देता हूं, यहां से इनको बड़ा कर देते हैं आपके लिए हम। ये देखिए इतना आसान है, कितनी इजीली। अब आप यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा लीजिए, सेलेक्ट कीजिए इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, यहां पे हाईलाइट सेल रूल्स और हम और आइए टॉप बॉटम रूल्स में और टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक कर देते हैं और इसको कर देते हैं टॉप 3 और इसको फिल कर देते हैं ग्रीन से। ओके, और यहां पे भी हम फॉर्मेटिंग लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स और यहां पे कर देते हैं टॉप 3 और इसको कर देते हैं हम येलो से। तो ये देखिए आपको इजीली फॉर्मेटिंग से ही पता चल गया कि भाई कौन हमारे टॉप के हैं कौन हमारे बॉटम के हैं परफॉर्मर्स, है ना अमेजिंग। पिवट टेबल बहुत पावरफुल है। इसमें अब मैं चाहूं तो यहां पे फिल्टर्स भी लगा सकता हूं, देखिए कैसे। यहां पे मैंने क्लिक करा, ये मेरा टेबल वापस आ गया। आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे वो गायब हो जाएगा, इसके अंदर क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। अब फिल्टर्स हम सीखते हैं कि मैं फिल्टर लगाता हूं कंपनी के नेम का, यहां पे डाल देता हूं। तो देखिए यहां पे ऑल कस्टमर, अब मैं लगाता हूं कि कंपनी वन का ही डेटा दिखाओ मेरे को। ओके करा, ये रहा कंपनी वन का डेटा। अब मेरे को कंपनी वन और कंपनी थ्री का डेटा देखना है, तो यहां पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूंगा, 1, 3 और कहते हैं हम कि भाई 19 का भी दिखा। ओके, तो ये तीन कंपनीज ने हमसे ऐसा डेटा खरीदा, ये तीन प्रोडक्ट्स खरीदे इन तीन कंपनी ने।
अब कौन कौन सी कंपनी ने खरीदे, तो देख रहे हैं फिल्टर्स कितने काम की चीज है हमारे लिए, तुरंत हमारे को चीजें मालूम पड़ जाती हैं यहां से। फिल्टर्स में अगर आप जाएं तो आप डेट वाइज भी डेटा निकाल सकते हैं। कैसे, आइए मैं दिखाता हूं। वापस से हम इसमें एक फिल्टर लगाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे और ओके करेंगे। अब मैं यहां पे डेट्स ले लेता हूं। ऑटोमेटिकली देखिए इसने क्या करा, साल और ऑटोमेटिकली देखिए इसने डेट्स को ग्रुप कर दिया साल के हिसाब से। यहां पे तो देखेंगे आपको क्वार्टर्स और ईयर्स भी दिख रहे हैं। अगर मैं इसके प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसने क्वार्टर भी कर दिया, उसके प्लस पे क्लिक करूंगा तो जुलाई अगस्त सितंबर कर दिया इसने। अब देख रहे हैं, मैं क्वार्टर हटा देता हूं तो सिर्फ महीने आ गए, आपके ऊपर है। मैं साल भी हटा सकता हूं तो सारे महीने इकट्ठे आ जाएंगे, लेकिन साल रख लीजिए क्योंकि दो साल का डेटा है। तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, ये देखिए 2017 का, 2018 का। अब मेरे को देखना है कि 2017-18 में हमारी महीनों के हिसाब से कितनी क्वांटिटी सेल हुई, तो मैं इसको यहां पे डाल दूंगा। ये देखिए 2017 में टोटल इतनी क्वांटिटी सेल हुई हर महीने के हिसाब से, ये रहा 2018 की टोटल क्वांटिटी इतनी रही हर महीने के हिसाब से, ये रहा और ग्रैंड टोटल यहां पे आ गया। इसी तरह से क्वांटिटी नहीं चाहिए मेरे को, सेल का अमाउंट चाहिए तो सेल का अमाउंट आ गया। बहुत ही आसानी से आप पिवट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग बना सकते हैं। इतना बड़ा डेटा और हमें इजीली अब देखते ही मालूम पड़ रहा है कि भाई सेल्स क्या रही हमारी, प्रोडक्ट वाइज कस्टमर वाइज क्या डेटा रहा हमारा, मंथ वाइज डेटा क्या रहा। बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो शीट है ना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट myelesson.org से। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर डाउनलोड करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें। ये एक्सेल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पिवट टेबल, तो ये ज़रूर आना चाहिए। और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करी है, तो शुक्रिया देखने के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब करा है उनके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार, और जो अब सब्सक्राइब करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।